मशहूर शायर और लेखक कैफी आजमी की जन्म शताब्दी देश विदेश में मनाई जा रही है। इसी के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन शबाना आजमी और तन्वी आजमी ने किया। अपने जीवन काल में कैफी आजमी को बच्चों से बेहद लगाव था। बच्चों को बहुत चाहते थे उनके साथ। आपने ये जब तस्वीर देखी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे उनको लिपटे में हैं। तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, तो इस तरह से ये आइडिया आया कि अगर कोई पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन करें जिसमें बच्चे कैफी की किसी नज्म के टाइटल पर वो लिखें। तो फिर लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, फिर किसी ने कहा कि प्यार का जश्न उनकी एक बहुत फेमस नज्म है, उसको बना के इस तरह से आइडिया आया। अच्छा जी, मुझे इसी बात की खुशी है कि हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो एक सेलिब्रेशन ऑफ लव है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के क्या इंटरप्रिटेशन है। हम एज एडल्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही देते हैं। अब बच्चे जब कुछ बनाएंगे तो हमको उससे कुछ शायद इंस्पिरेशन मिले टू हैव मोर एंड मोर सच प्रोग्राम्स, एंड वी माइट पिक अप समथिंग फ्रॉम विच हमको ऐसे लगे कि इस बेसिस पे हमको कुछ और करना चाहिए। सो हमको लगता है दिस विल प्रॉबेबली बी एन ओपनिंग फॉर अस टू, क्योंकि साल भर के ये सेलिब्रेशंस होने वाले हैं तो शायद बच्चे हमें कुछ आइडिया दे दें। और बच्चों के साथ तो एनर्जी अलग ही होती है। तो स्पेशल किट भी हैं, वो भी आमंत्रित हैं, हमने देखा था, वो भी पेंटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब ये किसका आइडिया है कि वो भी हिस्सा हैं और एक अलग पैगाम, एक अलग मैसेज जाता है? नहीं, लेकिन देखिए हमारे नज़र में जो है कोई भी बच्चा, वो कहाँ से भी हो, किसी भी तबके का हो, बच्चा बच्चा होता है। और इसके बारे में जिक्र करना भी मैं समझती हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है। तो जो जिस बात का ख्याल रखा गया है वो ये है कि हर तबके के लोग और हर तरह के बच्चे इसमें हो। बच्चे बस बच्चे होते हैं। नहीं, और ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बहुत चाहते हैं कि वो इंक्लूड हो जाए, एंड दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस। असल में होता क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस है, अडल्ट्स को नहीं पता रहता है कि उनके साथ किस तरह से वो मिक्स करें। और तो अडल्ट्स के लिए भी नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को, ताकि आपको डर नहीं लगे कि कोई मैं गलती तो नहीं कर दूँ, कुछ हो जाएगा। जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट इंटीग्रेट दैम। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे बड़ा एहसास सा होता है कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी कैफी अभी कैफी साहब से। अनगिनत इवेंट्स आपकी तरफ से आते हैं, मतलब आई गेट गूज़ बम्स व्हेन आई सी यू एज अ डॉटर, योर रिलेशनशिप विद योर फादर, मुझे याद है ताज़ा। एक कला प्रेमी की याद में उभरते कलाकारों को प्रोत्साहित करना कैफी आजमी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।